पिंकी जी फरार हो गई थी, पता चला था कि नहीं आपको? पता चला था, वही स्टोरी यहाँ पे चलने जा रहा है, वही स्टोरी यहाँ पे चलने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पहले मैं आपको बताता हूँ। वो जो अपने छोटू और पिंकी थी, उनको मैं एक सेकंड के लिए लेके आने जा रहा हूँ। अभी फरार हुई थी, पकड़ में आई है, लोग पकड़ में आ गए हैं। जरा देखते हैं क्या बात थी। ये देखिए, ये अपने छोटू जी हैं, ध्यान देना नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ये छोटू के साथ कौन है बच्चा? पिंकी जी निकल ली थी वहाँ से, है ना, सोची थी इनके साथ ज़िंदगी हमारी खुशहाल रहेगी, भाई ऐसा नहीं हो पाया इनके साथ। तो छोटू और पिंकी की स्टोरी अभी समझ में आती, इस बार समझ में आई है ना। वो चैप्टर वन था, ये चैप्टर टू है। हर मूवी के चैप्टर वन आते हैं ना, चैप्टर टू भी आते हैं। तो चैप्टर वन में कुछ हुआ था, चैप्टर टू में देखिए कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको। आपने सोचा नहीं होगा चैप्टर टू में क्या होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं चैप्टर टू में। तो होने दो ना यार, होने दो, क्या आपका क्या जा रहा है, ठीक है, इसमें तेरा क्या घाटा, समझ में आ रहा है वही स्टोरी। ये छोटू हैं और ये पिंकी हैं, ठीक है, ये छोटू हैं और ये पिंकी हैं, और उनके साथ अपने ये चिंटू जी थे जिनकी ज़िंदगी में तबाही आई थी, जिनकी ज़िंदगी में तबाही आई थी। और जब पिंकी मिली थी ना, पिंकी की एक सिस्टर थी, चिंकी नाम था इनका, क्या नाम था बच्चा? चिंकी, है ना, पिंकी की सिस्टर थी चिंकी। जब उनका चिंटू का मामला बिगड़ा था उस पार्ट चैप्टर वन में, चिंटू का मामला चैप्टर वन में जब बिगड़ा था ना, तो चिंकी के साथ मामला चल रहा था इनका। तो बात को समझिए, अब होने क्या जा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर ये आपको चिंकी मिंकी समझ में आ गई ना, तो फिर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट तो आना ही आना है यार। ये चीज़ें बिहेवियर है ना, बिहेवियर अगर आपको आ जाए तो रिएक्शन तो 101% आपको आना ही है भाई। बिहेवियर समझाने वाला हूँ मैं, देखो काफ़ी मजा आएगा अभी। अब देखो क्या हुआ, ये छोटू पिंकी जी और चिंटू चिंकी जी एक दिन अपने एक पार्टी में जाते हैं, ठीक है, पार्टी करने जाते हैं। पार्टी होता है, पार्टी मस्त मस्त, पार्टी में लोग पहुँचते हैं, अपने गाड़ियों से उतरते हैं लोग और पार्टी में घुसते हैं अंदर। जब माहौल बनता है पार्टी का, अपना डांसिंग चल रहा है, उसी में ये लोग चारों लोग जाते हैं अपना मस्त मस्त, ठीक है। उस समय कुछ जब चारों लोग, देखो ये अलग थे और ये दोनों अलग थे, जब ये चारों लोग मिले ना, जब ये चारों लोग मिले तो इनको इनसे नज़रें मिली, ठीक है, इनकी नज़रें इनसे मिली और इनकी नज़रें इनसे मिली। बस अब क्या होगा आप ही ज़रा बता दीजिए, इनकी नज़रें इनसे मिल गई या चिंटू जी की नज़रें पिंकी जी से मिल गई, तो ज़रा बताइए क्या होना चाहिए, आप बताइए ना, मैं क्या बताऊँगा, क्या रह गया केमिस्ट्री में, यही सब रह गया है, ठीक है, केमिस्ट्री में बस सर अब यही रह गया पढ़ने को। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं, सीरियस मत ले लेना, बस एक छोटी सी चीज़ों को मैं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा टेढ़ा है, तो उसको हम लोग सीधा कर रहे हैं, ठीक है, उसको सीधा कर रहे हैं। यानी कि छोटू जी की जब नज़रें चिंकी से मिली, तो छोटू चिंकी एक साथ हो गए। क्या हुआ यार, बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे मामला, तो ठीक है, छोटू चिंकी एक साथ हो गए, ठीक है, छोटू चिंकी एक साथ हो गए। अब फिर चिंटू पिंकी क्या हो गए बच्चा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्लस करके, चिंटू कौन है बच्चा, ये चिंटू है और ये पिंकी है, फिर चिंटू पिंकी मिल ही गए आखिर, चैप्टर वन में बिछड़े चैप्टर टू में मिल ही गए यार, तुम लोग की जोड़ी सलामत रहे, ठीक है, चिंटू पिंकी आप लोग की जोड़ी क्या रहे, सलामत रहे। इनको मैं इनको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ आराम से, ठीक है, ताकि भाई हाँ ट्रू लव था इनका, इनका ट्रू लव था, छोड़ दीजिए वो सब चीज़ें, है ना, केमिस्ट्री से बाहर सर आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बाहर जा सकते हैं, है ना, बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री से बाहर जा रहे हैं, टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना, केमिस्ट्री से अगर कहोगे बाहर तो ऐसी बात तो है, टॉपिक में ही घुस के घुमा रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट यही समझ में आने वाला है।